नमस्कार, प्रभा की रसोई में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे सर्दियों का स्पेशल मूली मिर्च का अचार। 500 ग्राम मूली ले ली और उसको अच्छे से धोने के बाद एक साफ कपड़े से पोंछ लिया। इसी प्रकार 50 ग्राम हरी मिर्च ली, उसके डंठल निकाल लिए और फिर उसको भी एक साफ कपड़े से हमने पोंछ लिया है। 50 ग्राम अदरक ली और उसको खुरच के छील लिया है। छीलने के बाद उसको हम धो लेंगे और उसे भी एक साफ कपड़े से पोंछ लेंगे। मूली को छील लेंगे। मूली शरीर को पोटेशियम देती है, जिससे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल किया जा सकता है। सर्दियों के मौसम में मूली का सेवन दिल की सेहत के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। छीली हुई मूली को अपने पसंद अनुसार आकार में हम काट लेंगे, चाहे तो लंबा काटें चाहे तो गोल। मैंने थोड़े मोटे टुकड़े काटे हैं और फिर उनको बीच में से दो हिस्सों में कर दिया है। एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर मूली दिल को सेहतमंद रखने में मदद करती है। कटे हुए टुकड़ों में 1/4 चम्मच नमक डलेगा और फिर उस नमक को इन टुकड़ों में अच्छे से हम मिला लेंगे। ढक देंगे और 1 घंटे के लिए इसको एक तरफ हम रख देंगे। अदरक को अपनी इच्छा अनुसार जिस भी आपको साइज में पसंद है आप काट लीजिए। पतला पतला मैंने काटा है, आप चाहें तो चौकोर टुकड़े भी काट सकते हैं। अदरक से इस अचार का स्वाद बहुत बढ़ जाता है। हरी मिर्च को काटेंगे हम कैंची की सहायता से, ताकि हाथों में मिर्च की गंध ना रह जाए, उसकी तेज़ी ना रह जाए। 1 घंटे बाद हम देखेंगे कि मूली ने काफ़ी पानी छोड़ दिया है, तो इस पानी को हटाने के लिए हम इसे एक छलनी में छान लेंगे और इस छलनी में छानने के बाद इसी में हम इसे 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे, ताकि पानी और भी निकल जाए। एक ट्रे पर एक साफ कपड़ा बिछा देंगे और उस कपड़े के ऊपर मूली के टुकड़ों को एक सिंगल लेयर में इकहरा करके फैला लेंगे। इसके ऊपर जो पानी है वो हमें इसे सुखाना है। इसी कपड़े के एक किनारे पर हम जो अदरक के टुकड़े काटे हैं उन्हें भी रख देंगे और हरी मिर्च के टुकड़े जो हैं उन्हें भी रख देंगे। हमें इन सब चीज़ों के पानी को थोड़ा सुखाना है। इस ट्रे को हम धूप में रख देंगे करीब 2 घंटे के लिए। यदि आपके पास धूप ना हो तो पंखे में भी सुखा सकते हैं। 2 घंटे बाद हम देखेंगे कि कितने अच्छे से, देखिए सारा पानी ऊपरी इनका सूख चुका है, ऊपरी तरफ से सब सूखे हो गए टुकड़े सारे। अब इन सब टुकड़ों को एक थोड़े बड़े बाउल में हम निकाल लेंगे, ताकि इनमें अच्छे से मसाले हम मिला सकें। एक पैन लेंगे, इसमें 1 चम्मच मेथी दाना, 2 चम्मच सौंफ और 2.5 चम्मच पीली सरसों डाल के धीमी आंच पे इनको भून लेंगे। हमें इनको इतना ही भूनना है कि इनके अंदर की हल्की सी सीलन ख़त्म हो जाए। उसके बाद हल्का सा इनको ठंडा होने देंगे और फिर ग्राइंडर में इन सारे मसालों को डालकर दरदरा पीस लेंगे। अचार में दरदरा पिसा मसाला ही अच्छा लगता है, तो दरदरा ही पीसिएगा। अब पैन में 1/2 कप सरसों का तेल गरम कर लीजिए। अचार सरसों के तेल में ही बनाया करिए। गरम होने के बाद आंच बंद कर दें और उसमें दरदरा पिसा मसाला डालें और 1/2 चम्मच हींग, हींग थोड़ी ज़्यादा ही डलती है अचार में। 1 चम्मच हल्दी पाउडर डालिए और सब चीज़ों को आपस में मिला लीजिए। अब हमारे गर्मा गर्म तेल में सारे मसाले और अच्छे से पक गए हैं और तुरंत इसको आप मूली के ऊपर डाल दीजिए। जो तेल हमने मसालों वाला अभी तैयार किया उसको हम मूली के ऊपर डाल दे रहे हैं। कुछ और मसाले डालेंगे हम। 1/2 चम्मच कुटी हुई काली मिर्च, 1.5 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर और 2 चम्मच नमक। ये डालने के बाद सब मसालों को हम अच्छे से इसमें मिला लेंगे। एक तड़के वाला पैन गरम करेंगे, इसमें 1/4 कप सरसों का तेल डालेंगे और जब तेल अच्छे से गरम हो जाएगा तब आंच बंद कर देंगे और 1/2 चम्मच अजवाइन, 1 चम्मच सौंफ, 1/2 चम्मच मेथी दाना और 1/2 चम्मच कलौंजी डालेंगे और तुरंत इस तड़के को अचार के ऊपर डाल देंगे। इस तड़के से अचार का स्वाद बहुत बढ़ जाता है, बहुत ही अच्छा फ्लेवर्स आ जाते हैं इन सब चीज़ों के। इसमें 2 टेबलस्पून सिरका हम इसमें डाल देंगे। आप जो चाहें सिरका आप इसमें डाल सकते हैं और मिला लीजिए उसको। अचार को ठंडा होने दीजिए और जब ठंडा हो जाए
तो एक चीनी मिट्टी के या एक शीशे के बर्तन में आप इसको भर के रख लीजिए। बर्तन ऐसा लीजिए जिससे जिसका ढक्कन टाइट हो ताकि इसमें कोई बाहर की हवा ना जाए और अचार खराब ना हो। बर्तन में डालने के बाद इसको आप बंद कर दीजिए। हमारा अचार तैयार है। आप चाहें तो तुरंत इसको खा लें, वरना इसका स्वाद 2 दिन बाद और भी अच्छा लगेगा। इस अचार को आप आराम से 6 महीने तक रख सकते हैं, यानी कि जब मूली का मौसम चला भी जाए तब भी आप इसका आनंद लेते रहिए। कुछ सुझाव हैं जिनका आप ध्यान रख सकते हैं। मूली को ना तो ज़्यादा पतली और ना ही ज़्यादा मोटी लीजिएगा। पतली मूली में गूदा कम होता है और मोटी मूली अंदर से फुसफुसी होती है और उसमें स्वाद भी अच्छा नहीं होता। अदरक आप चाहें तो डालें चाहें तो ना डालें, पर इसका स्वाद काफ़ी अच्छा लगता है अचार में। तड़का बनाते समय उसमें उसी क्रम में मसाला डालिए जैसा कि रेसिपी में बताया गया है। सिरका आप किसी भी तरीके का ले सकते हैं, पर सिरका डालिएगा ज़रूर, जिससे कि अचार की लाइफ बढ़ जाएगी और टेस्ट भी अच्छा हो जाएगा। अचार को ख़राब होने से बचाने के लिए एक साफ़ और सूखे बर्तन में ही रखिए और साफ़ और सूखे चम्मच से ही निकालिए। तो यदि रेसिपी अच्छी लगी तो मेरा चैनल प्रभा की रसोई सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि आपको नई रेसिपीज़ मिलती रहें। धन्यवाद।